अगर किसी बच्चे को कुछ भी होता है उसके लिए यहाँ का प्रिंसिपल और यहाँ का स्टेबल स्टाफ जिम्मेवार होगा। हमने यही रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल साहब को कि जो ये मॉर्निंग असेंबली का प्रोग्राम यहाँ 1.5-2 घंटे चलता है इसको बंद किया जाए। अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान में मौजूद हूँ। अभी हमें खबर मौसूल हुई कि यहाँ पे जो है कुछ बच्चियाँ जो है अनकॉन्शियस पाई जा रही हैं, शायद उनको दौरा पड़ रहा है। तो हम फौरन यहाँ पे चले आए और यहाँ पे देखा कि बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो अनकॉन्शियस है। कहा जा रहा है कि पहले मॉर्निंग असेंबली में एक बच्ची जो है अनकॉन्शियस हुई, उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद ये आंकड़ा बढ़ता गया, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, और ये आंकड़ा जो है वो 50 के करीब पहुंच गया। वहीं जो बच्चियां हैं उनको फिर जो यहाँ पे बच्चों की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे भी जो हैं वो डर गए, तो जो टीचर हजरात थे उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की। जो अनकॉन्शियस बच्चियाँ थी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके बाद जो है वो जो बाकी बच्चे थे उनको जो है वो छुट्टी कर दी। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी जितनी भी बच्चियाँ अनकॉन्शियस हुई थी वो सारी कहा जा रहा है कि ठीक है। और कुछ पेरेंट्स ने एलिगेशन लगाई कि जो टीचर हजरात हैं ये 2-2 घंटे मॉर्निंग असेंबली चलाते हैं और यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। और वहीं अगर हम टीचर्स का यहाँ आपको स्टैंड दें कि टीचर्स कह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ 40 मिनट की जो है मॉर्निंग असेंबली करते हैं। हमारे साथ मुदस्सिर शेख जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि टीचर ने एलिगेशन लगाई है। फ़िलहाल तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये वाकया जो है ये कैसे हुआ और ये जो बच्चे हैं कैसे कंट्रोल में लाए आपने। मुदस्सिर साहब, कैसे ये जो वाकया है, पहले एक बच्ची, फिर दूसरी बच्ची, फिर तीसरी बच्ची और ये आंकड़ा जो है 40-50 के करीब पहुंचा, तो कैसे हुआ ये? सागर जी, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए, और दूसरा हमें बड़ा दुख है कि ऐसा इस स्कूल में अक्सर हो रहा है कि बच्चे जो हैं, अक्सर बच्चे ऐसा होता आ रहा है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पे हर तीसरे दिन 1 या 2 बच्चे हैं जिन्हें ये स्ट्रोक्स आते हैं, और फिर हम पेरेंट्स को बुला के उनकी, यहाँ पे हमने एक रेड क्रॉस का रूम रखा हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर उनको दवाई दी जाती है। हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रखा हुआ है, हमने लिम्सी की टेबलेट्स रखी हुई है, फर्स्ट एड जितना भी है यहाँ पे सारा मौजूद है। सब बड़े अफसोस की बात है। इस वक्त हमने एक खबर सुनी कि हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल किलोतरान में जो ये वाकया पेश आया कि 18-20 बच्चियों का मसला जो सामने आया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के उस्तादा की भी कोई रोल है, क्योंकि यहाँ पीछे आगे से कब्रिस्तान है, हजारों सैकड़ों लोग यहाँ कब्रिस्तान में दफन है और 24 घंटे यहाँ ढोल धमाका जो होता है चलता है। चलो जो स्कूल का कोई मसला होता है कहीं हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार जो किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये जो बच्चे इस वक्त इस हालात में है, अल्लाह ताला इनको फिलहाल शफा करे, उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा देखा जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने पेरेंट्स की एक मीटिंग बुलाई हायर सेकेंडरी स्कूल तिलोहतरान में। हमने यही रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल साहब को कि जो ये मॉर्निंग असेंबली का प्रोग्राम यहाँ 1.5-2 घंटे चलता है इसको बंद किया जाए। थोड़े से वक्फे में बच्चों को प्रेयर करा के क्लासों में भेज के इनको पढ़ाई कराओ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आए दिन देखा जा रहा है सिर्फ नाच नाक में चलते हैं, यहाँ पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है। 1.5-2 घंटे बच्चियों को यहाँ धूप में रखा जाता है, अगर पता नहीं इनको धूप से होता है या किस चीज से होता है हमें इस चीज का पता नहीं है। आए रोज यहाँ इस हायर सेकेंडरी में बच्चों को पता नहीं क्या होता है, सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाजें यहाँ से आती हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। आज देखो आज की डेट में कम से कम 40 लड़कियों को पता नहीं वो बेहोश हो गई हैं, पता नहीं धूप से हो गई कि उस नाच नगमे से, पूरे दिन ये रखते हैं ग्राउंड में, पढ़ाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, इसलिए ये हाल हुआ है। आज पूरा अस्पताल भी भर गया है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी होता है उसके लिए यहाँ का प्रिंसिपल और यहाँ का स्टाफ जिम्मेवार होगा। डॉक्टर साहब, क्या प्रॉब्लम हुई आज? 50 के करीब बच्चे जो है वो अनकॉन्शियस हो गई हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो आपके पास क्या अपडेट है? आपने इनको खुद ट्रीट किया तो क्या देखा आपने? आज स्कूल से कोई हमारे पास जो आई कोई 8 बच्चियाँ यहाँ पे आई थी, जो कि मतलब उनके सिम्टम जैसे मतलब कोई किसी को पेट में दर्द था, किसी को फीवर था, किसी को कोई सेमी कॉन्शियस थी, मतलब एक किस्म का ऐसा लग रहा था कि हिस्टेरिक पेशेंट है मोस्टली वो। तो हमने उनको ट्रीटमेंट किया है,
काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश की है, तो उनमें से कुछ स्टेबल हुई कुछ नहीं हो पाई, जो स्टेबल नहीं हुई उनको हमने रेफर किया। कितने बच्चों को अभी तक आपने रेफर किया? कोई 7 बच्चों को रेफर। यहाँ पेरेंट्स का कहना है कि ये टीचिंग स्टाफ जो है इनको ग्राउंड में ज्यादा टाइम इस पे रखते हैं, तो उस वजह से ये बच्चियाँ जो है थोड़ा वो तवाजुन खो बैठती हैं, और वो भी एक फैक्टर रहता है। आप क्या कहना चाहोगे? उसमें मुझे उसका पूरा पता नहीं है कि मतलब वहाँ पे उनको सर पर रखा जाता है कि नहीं, तो मैं उस कार में कुछ नहीं कह सकता। अकाड़ी साहब क्या कहना चाहोगे, आज आपकी जो नीचे र्यूमर्स थे उसमें 50 के करीब जो बच्चे आपकी अनकॉन्शियस हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन एलिगेशन ये है कि जो यहाँ के स्टाफ जो आपकी सुपरविजन में जो काम कर रहा है, तो उनका कहना है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है जो 2 घंटे जो बच्चों को ग्राउंड में रखा जाता है और उसके बाद उनको नाच गाना, जो पब्लिक के एलिगेशन हैं, नाच गाना जी कराया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? शुक्रिया खाने साहब, आप हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है वो 40 मिनट की होती है, उसके बाद जो हम बच्चों को पानी पीने के लिए भेजते हैं, और 1000 के करीब बच्चा हमारा, तो पानी पीने में उनको 10-15 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद वो क्लासों में जाते हैं, तो वो टोटल मिला के वो 11 बजे हम क्लास वर्क शुरू करते हैं, तो 15-20 मिनट जो है हमारे वो लग जाते हैं बच्चों को पानी पीने में और वापस क्लास में आने के। लेकिन आज जो ये वाकया हुआ, एक बच्ची जो थी वो उसको कोई दौरा जैसा पड़ा तो रोने लगी, तो उसको हमने उठा के, हमारे पास एक कमरा है जो काउंसलिंग सेल का रखा हमने, तो वहाँ उसको लिटाया बच्ची को, तो ऐसा वो बच्चे जब क्लास में गए तो क्लास में पूरी क्लास जो थी वो बच्चियाँ जो है रोने शुरू हो गई, तो हमारे पास इमीडिएट जो था कोशिश थी कि बच्चे जो हॉस्पिटल पहुँचे ताकि उनका कोई प्रॉपर इलाज हो, तो स्ट्रेचर एक तो हमारे पास था, दूसरा हमने हॉस्पिटल से मंगवाया और 4 स्टाफ मेंबर जो है उनके साथ हॉस्पिटल गए, तो बाकी जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास थे तो एक किस्म की भगदड़ सी मच गई, तो हमने उन बच्चियों को संभालने के लिए उन सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके काउंसलिंग शुरू की उनकी, कि भाई आप घबराओ मत, ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी, बच्चे ठीक हो जाएंगे, आप लोग सिर्फ लंबी सांस लो, और जैसा थोड़ा सा उनको मॉरल सपोर्ट हम दे रहे थे, तो बाकी बच्चे जो हॉस्पिटल में गए थे तो उनके लिए बाद में स्टाफ मेंबर्स जो है वो उधर गए, तो उनकी पोजीशन जो है, तो वो ये कितने टोटल बच्चियां थी जो अनकॉन्शियस हुई उस टाइम ड्यूरिंग प्रेयर? प्रेयर में कोई बच्चा नहीं, एक बच्ची हुई थी, उसके बाद कितने बच्चों की शिकायत थी? 8 बच्चियां जो तो हमने नीचे शिफ्ट कर ली थी हॉस्पिटल में, और हमारे पास यहाँ पे जिन बच्चियों को हमने ठीक किया तकरीबन 30 बच्चियां थी यहाँ पे, तो उनको ठीक करके उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया, पेरेंट्स के हवाले करके उसके बाद बाकी बच्चों को हमने घर भेज। जो ये बताया जा रहा है कि जी 2 घंटे का नाच गाना कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 40 मिनट की मॉर्निंग असेंबली जो मैंने आपको पहले ही बताया, इतना ही है हमारा प्रोग्राम, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी परेड हो जाती है, थोड़ा सा वो राष्ट्रगीत हो जाता है, प्रेयर हो जाती है, बस ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, और वो भी हम बच्चों को बिठा के करवाते हैं, खड़ा खड़ा करके हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको रेस्ट मिले, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, 40 मिनट का तो है मॉर्निंग असेंबली, 40 मिनट की है।